लालच बुरी बला। गोदावरी नदी के किनारे पर बसे घने जंगल में एक बहेलिए ने अपना जाल फैलाकर उसके चारों ओर चावल बिखेर दिए तथा स्वयं चुपचाप छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद आकाश में उड़ते कबूतरों के एक दल ने चावलों को देखा तो उनके मुंह में पानी भर आया। कबूतरों के मुखिया चित्रग्रीव ने उस सुनसान जंगल में इधर उधर बिखरे चावलों को देखकर यह अनुमान लगाया कि आसपास जरूर कोई शिकारी छिपकर बैठा है। उसने कबूतरों को निर्देश दिया कि चावलों के लालच में ना पड़े, यह जरूर किसी शिकारी की चाल है। फिर भी कबूतर अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। चित्रग्रीव ने उन्हें समझाते हुए कहा, इसी शिकारी की तरह एक बूढ़े शेर ने भी प्रलोभन देकर ना जाने कितने प्राणियों की जान ले ली थी। वह शेर इतना अधिक बूढ़ा हो गया था कि उसके लिए अपना भोजन तक जुटाना कठिन हो गया था। उसे कहीं से सोने का एक कंगन मिला और तुरंत उसे एक युक्ति सूझी। एक नदी के किनारे खड़ा होकर वह आते जाते राहगीरों को सुनाते हुए कहने लगता था, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मृत्यु के काफी निकट पहुंच चुका हूँ। जीवन भर इस पापी पेट के लिए मैंने बहुत से जीवों की हत्या की है। अब मुझ में विवेक और वैराग्य के भाव जाग उठे हैं। मेरे पास यह सोने का कंगन है, मैं इसे दान में देकर कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ। कोई महानुभाव मुझसे दान लेकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा करे। तू एक हिंसक और भयंकर प्राणी है, समीप आने पर तू मुझे मार कर खा जाएगा, इसलिए तुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता, राहगीर कहते हुए और आगे बढ़ जाते। आखिरकार एक लालची व्यक्ति उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। मुझे कंगन पाने के लिए क्या करना होगा, उसने पूछा। कुछ नहीं, तुम केवल इस नदी में स्नान करके आओ और फिर हाथ में जल लेकर अपना नाम बोलकर संकल्प करो और यह कंगन ले लो, शेर मन ही मन खुश होता हुआ बोला। राहगीर बिना विचार के स्नान के लिए नदी में उतर गया। नदी में गहरा दलदल था जिसमें वह धंसता चला गया और काफी जोर लगाने पर भी बाहर ना निकल सका। इस प्रकार शेर को उसका भोजन मिल गया और लोभ के कारण उस राहगीर को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। वह बूढ़ा और धूर्त शेर इस प्रकार लोभी व्यक्तियों को फंसाकर अपना जीवन यापन करता रहा। अंततः मित्र, बिना सोच विचार किए किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, उन्हीं कबूतरों में से एक लालची कबूतर ने कहा। बड़े बूढ़ों का कहना संकट काल में ही महत्व रखता है, यदि हर कार्य में उनकी बातें मानने लगे तो जीना कठिन हो जाएगा और भोजन मिलना भी दुर्लभ हो जाएगा। मित्रों, अगर सभी बातों पर संदेह करने लगोगे तो भूखे मर जाओगे, अतः मेरी बात मानो, चावल खाकर अपनी भूख मिटाओ। अपने साथी की बात मानकर कबूतर चावल खाने के लालच में नीचे उतर आए और जाल में फंसकर अपने उस साथी को भला बुरा कहने लगे। चित्रग्रीव ने उन्हें समझाते हुए कहा, साथियों, अब आपस में लड़ना छोड़ो और इसे अपने भाग्य का खेल समझकर मुक्त होने के संबंध में सोच विचार करो। जब संकट आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है, वह ना चाहते हुए भी भटक जाती है। कहा भी गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए एक दूसरे पर दोषारोपण ना करते हुए एक साथ जोर लगाकर जाल के साथ उड़ने की चेष्टा करो। सभी कबूतरों ने चित्रग्रीव के कथन का पालन किया और जाल के साथ उड़ गए। कबूतरों को जाल के साथ उड़ते देखकर बहेलिया हक्का बक्का रह गया। बहेलिया कुछ देर उनके पीछे यह सोचकर भागा कि यह कबूतर संगठित होकर उड़े अवश्य जा रहे हैं, परंतु ये थककर जरूर गिर पड़ेंगे और तब मैं इन्हें अपने वश में कर लूंगा। लेकिन बहुत दूर तक पीछा करने के बाद भी जब कबूतर नहीं गिरे तो वह निराश होकर हाथ मलता हुआ अपने घर की ओर लौट चला। बहेलिए को लौट गया देखकर चित्रग्रीव ने अपने साथियों से कहा, साथियों, मेरा एक मित्र हिरण्यक नामक चूहा गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है, वह इस जाल को काट देगा। हिरण्यक के निवास पर पहुंचकर चित्रग्रीव ने उसे पुकारा तो मूषक राज अपने मित्र की आवाज पहचान कर अपने बिल से बाहर निकल आया। जैसे ही हिरण्यक की निगाह जाल पर पड़ी तो फौरन स्थिति को समझ गया और अपने मित्र के बंधन काटने लगा। चित्रग्रीव ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मेरे साथियों के बंधन काटो मित्र, उन्हें मुक्त करने के बाद ही मुझे इस जाल से मुक्ति दिलाना। मेरे दांत अब काफी कमजोर हो गए हैं मित्र, इसलिए मैं सबके बंधन नहीं काट पाऊंगा, हिरण्यक ने अपनी मजबूरी बताई। नहीं मित्र, जब तक तुम मुझ पर आश्रित मेरे साथी स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक मैं भी इस जाल से मुक्त नहीं होऊंगा। तुम धन्य हो मित्र, जब तक मेरे दांत हैं तब तक मैं इस जाल को काटता रहूंगा, हिरण्यक ने यह कहकर सबको कुछ ही देर में बंधन मुक्त कर दिया। चित्रग्रीव ने हिरण्यक के प्रति कृतज्ञता जताई और उससे विदा लेकर अपने निवास की ओर चल दिए। कथासार, लोभ लालच मनुष्य के प्रबलतम शत्रु हैं। इनके मोह में फंसकर प्राणी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी संकट में डाल देता है, जैसा लालची कबूतरों के साथ हुआ। अतः बड़े छोटे का ध्यान किए बिना अच्छे मित्रों की संख्या बढ़ाते जानी चाहिए तथा व्यर्थ का अहंकार नहीं पालना चाहिए, ना जाने कौन कब काम आ जाए।
धनी हो या निर्धन, राजा हो या फकीर, नल से पानी पीने के लिए झुकना सभी को पड़ता है।